हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस की कार्रवाई, 500 ग्राम अफीम के दूध के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। पालीचला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोजत रोड के मुसालिया गांव के एक घर में दबिश देते हुए 500 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया और गुड़िया प्रजापत पुत्री रमेश निवासी मुसालिया को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती अफीम का दूध गाँव में बेचने की फिराक में थी। मुखबिर की सूचना पर थाना अधिकारी सीमा जाखड़ दबिश देकर युवती को गिरफ्तार किया। सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। वहीं सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि सोजत सर्कल की ये 25वीं बड़ी कार्रवाई है। दिनांक 18/11/2020 को हमको जरी मुखबिर इतला मिली की मुसारिया गाँव में अस्पताल के सामने घर पे एक गुड़िया नाम की युवती है जिसके पास में अवैध रूप से अफीम हो सकता है, जिस पर हमने हालात उच्च अधिकारी को निवेदन कर मैं जाप्ता घर पर दबिश दी। तो एक कमरे में जिसकी चाबी गुड़िया के पास में थी, हमें एक संदिग्ध वस्तु मिली जिसको चेक करने पे अफीम होना पाया गया। जिसके लाइसेंस बाबत उस गुड़िया को पूछा तो उसने अपने पास नहीं होना बताया। उसने बताया कि सुखाराम पुत्र कुन्नाराम जाति जाट निवासी रेंदड़ी ने ये माल मुझे ला कर दिया है, जिसको आगे बेचने बताया कि आगे बेचने के लिए ये ला के दिया है। जिस बाबत उस युवती को गिरफ्तार कर NDPS का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके अग्रिम अनुसंधान गिरिजा सिंह जी मारवाड़ सेक्शन करेंगे। उस व्यक्ति को नामजद कर उसकी तलाश जारी है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।